सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई। स्वजनों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बता दें कि जिस घर में महिला की मौत हुई है, उस घर में आने वाले 18 मार्च को शादी होने वाली थी, जहां खुशियां पहले ही मातम में बदल गई। आपको बता दें कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की भगवानपुर बाजार में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष में हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला के स्वजन गला दबाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मृतका संजय चौधरी की पत्नी सरस्वती देवी बताई जा रही हैं। मारपीट में अचेत होने पर स्वजन उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए सीएससी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की होने की खबर मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष तेज कुमार मंडल, एसआई विनोद कुमार पुलिस बलों के साथ अस्पताल पहुंच गए और शव को अपने कब्जे में लेकर थाना लेकर चले आए। थाना परिसर में ही पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस मामले में मृतका के पति संजय चौधरी ने बताया कि वे लोग शनिवार को अपनी जमीन में करकट का दीवार बनाकर घेरे थे, तभी मदन प्रसाद, दिलीप प्रसाद, ईश्वर प्रसाद, राजकुमार प्रसाद, दीपक प्रसाद व अन्य लोग पहुंचकर मारपीट करने पर उतारू हो गई। जब मैं और मेरी पत्नी ने इसका विरोध किया तो वे लोग मेरी पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं थानाध्यक्ष तेज कुमार मंडल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतका के पति की आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मृतक महिला को दो पुत्र में पुत्री है। बड़ा पुत्र रोहित चौधरी, छोटा अभिषेक कुमार एवं सबसे छोटी पुत्री लवली कुमारी है। वहीं बताया जा रहा कि आने वाली 18 मार्च को घर में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन इस मारपीट में महिला की मौत से खुशियाँ गम में बदल गई। मृतक महिला सरस्वती देवी के पति संजय चौधरी ने बताया कि उनके भतीजा की शादी 5 को तय है। शादी को लेकर घरों के में साफ सफाई का काम चल रहा था। इस दौरान घर के पीछे भाग में करकट लगाकर पर्दा करने के उद्देश्य से घेरा जा रहा था। इस दौरान उक्त लोग पहुंचकर मारपीट करने लगे और उनकी पत्नी की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घर में घटना के बाद सबसे बुरा हाल मृतका की बूढ़ी सास राजकुमारी कुंवर एवं 10 वर्षीय पुत्री लवली कुमारी का, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी खबर सिवान जिले की भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की भगवानपुर बाजार में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष में हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला के स्वजन गला दबाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मृतका संजय चौधरी की पत्नी सरस्वती देवी बताई जा रही हैं, जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष बताई जा रही है। वहीं मारपीट में अचेत होने पर स्वजन उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए सीएससी ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत होने की खबर मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष तेज कुमार मंडल, एसआई विनोद कुमार दल बल के साथ वहां पहुंच गए और अस्पताल से शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया।